पेशेंट्स कभी कभी बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिक शॉक जैसा पेन है या बिजली गिरता है वैसा पेन हो सकता है। कभी कभार वो बोलते हैं कि हजारों सुइयां चुभा रहा है उनके चेहरे के ऊपर, गाल के ऊपर, गाल के अंदर से। मिर्ची का पाउडर कोई लेके अगर घिस रहा हो गाल के ऊपर, जैसा जलन होता है वैसा जलन भी हो सकता है। एक चूरी लेके जैसा वार कर रहा हो इनके चेहरे के ऊपर। मैं जब भी खाती हूँ, बात करती हूँ, और इवन अ विंड, एक हवा का झोंका भी, वो मतलब इट्स दर्दनाक, मतलब वो इलेक्ट्रिक शॉक जैसा पेन देता है। क्योंकि खाने से विगर होता है, खाना बंद कर देते हैं। पीने से अगर तकलीफ हो रहा है तो पानी पीना कम कर देते हैं। दांत को ब्रश करना बंद करते हैं। मसूड़े खराब हो सकते हैं, क्योंकि चेहरा धोने से ये गाल का दर्द या चेहरे का दर्द शुरू हो सकता है। चेहरा धोते नहीं, सिर्फ एकदम हल्के से पानी डालते हैं और हल्के से तौलिया से चेहरा पोंछ लेते हैं। क्योंकि पंखे की हवा से भी ये दर्द शुरू हो सकता है। गर्मियों में भी पंखा चलाना पसंद नहीं करते हैं, हमेशा यही डर में रहते हैं कब ये दर्द शुरू होगा, अगला अटैक कब आएगा, मैं हाथ रखूं गाल के ऊपर या नहीं, खाऊं या नहीं, बात करूं या नहीं। इतनी चिंता रहती है कि वो और कोई एक्टिविटी में दिलचस्पी दिखाते ही नहीं। जरा सा मुंह खोला नहीं कि ऐसा इलेक्ट्रिक शॉक लगता था मेरे को। कहाँ पे लगता है? यहाँ नाक पे। जरा सा टच किया तो ऐसे हाथ लगता था कि शॉक मार दिया, ठिका जाता था हाथ। मुंह में जरा सा पानी रखा कि पानी जान निकाल लेता था मेरी। ना मैं सो सकता था, ना मैं बाथरूम में जाऊं तो बाथरूम करने के लिए भी जोर नहीं लगा सकता। यहाँ छटके मारते थे मेरे को। और मेरी मेरे घर में मेरी बीवी ऐसा पतला चूर के खिलाती थी। एक एक निवाला खाता था तो आंखों से आंसू बहते थे मेरे। उसमें खाना भी मेरा कम हो गया, पानी भी नहीं पी सकता था। बीच में चला जाता है बट फिर वापस आता था। 3 साल में मैंने बहुत दवाइयाँ चेंज की हैं। मुझे दवाई की वजह से चक्कर आता था। मैं मेरे ऑफिस में जब दवाई लेती थी उसके 1 घंटे बाद तक उठ नहीं सकती थी, बिकॉज आई नो मुझे ऊंचा नीचा दिखता है, हेजी दिखता है। रोज कभी 300 की गोली लेता था, सुबह में 200 की लेता था तो एक पाई का फर्क नहीं पड़ता था। मैंने 300 कर दिया, 300 लिया दोपहर के खाने के बाद, फिर गोली लेता था, फिर में लेता था। इस तरह से सिर्फ प्योरली मेरी जिंदगी गोलियों भरी ही चली आगे। तो 7 साल से है वैसा था, अभी 1.5 साल से कंटिन्यू है, अभी थोड़ा बड़ा हुआ है।